हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट टैक डॉक्टर वंस अगेन, होप एवरीथिंग इज फाइन। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो पा रहा था, थोड़ा बिजी था, तो आज आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए, मैक्सिमम पॉसिबल ट्राई करूँगा क्वेश्चन आंसर लेने की। तो प्लीज़ बने रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आप नए इस चैनल पर, तो इस तरह से इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। सो कोई भी आपका सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ सबका रिप्लाई करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं लेटेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले लूँगा, इस बार ऐसे चलते हैं लेटेस्ट से पहले। तो सबसे पहले बात की है भारत जी ने, भारत भारूले, अगर सरने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉरी। तो ये कह रहे हैं, सर कब तक आ जाएगा डीजे ऑस्मो 3 टेल मी। मैं भी वेट कर रहा हूँ इसकी। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी है 100% की ये मार्केट में आ जाएगा। तो जो जो लोग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ दे कैन गो और ऑर्डर ऑनलाइन सितंबर में। O0 गेमर व्लॉग्स कह रहे हैं, हेलो, आई एम बाइंग ए डी जे एम आई 2 प्रो ड्रोन सेकेंड हैंड इन क्विकर। तो क्विकर से बाय कर रहे हैं, इज़ इट सेफ? ब्रो देखो, सेफ तब होगा जब आप फिजिकली जाके लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट OLX या क्विकर पे कोई भी ना करें, क्योंकि वहाँ पर फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं। तो बेटर है आप खुद जाकर फिजिकली वहाँ से लें। और जहाँ तक सेकेंड हैंड ड्रोन्स की बात है, तो वो मैं उस पर एक वीडियो बनाया हुआ डेडिकेटेड, कि आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन पता कर लेनी चाहिए। DJI से उसका जो नंबर होता है, सीरियल नंबर ड्रोन के नीचे दिया होता है, वो आप जाके पता करें। और वो जब आप ईमेल करेंगे अपना DJI को, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि वो क्रैश हुआ या नहीं। अगर कोई क्रैश नहीं हुआ उसमें, तब आप सेकेंड हैंड ड्रोन लें, अदरवाइज मत लें। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी सेकेंड हैंड ड्रोन के बारे में। और जो जो भी ड्रोन सेकेंड हैंड ड्रोन लेना चाहता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। फन सकेतर कह रहे हैं, यस टैक्टिक ए ड्रोन के लिए। थैंक यू, आपका यस ही हमारे लिए बहुत अच्छी, आपको अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अरुण कुमार कह रहे हैं कि वंस यू प्ले विद ड्रोन्स फॉर ए मंथ सॉरी देन यू वोंट फील लाइक प्लेइंग, बिकॉज आई वन ड्रोन जस्ट लाइज इन द बैग। डोंट वेस्ट मनी फॉर ड्रोन्स। तो ये अपनी सलाह दे रहे हैं कि ड्रोन्स पे पैसे वेस्ट मत करें। तो इस पर थोड़ा से दो लाइनें मैं बोलूँगा कि ड्रोन इज़ नॉट ए टॉय। इफ यू थिंक इट इज़ ए टॉय, देन इट कुड बी फॉर सम पर्सन्स। काफ़ी लोगों के लिए ये ड्रोन एक टॉय होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये एक कैमरा है। इट इज़ ए कैमरा, इट इज़ ए टूल ऑफ ए सिनेमाटोग्राफी, मॉडर्न टूल ऑफ ए सिनेमाटोग्राफी टू गेट। जैसे गिम्बल है, गिम्बल से काफ़ी शॉट्स अब बड़े हैंडी हो गए हैं, उसी तरह ड्रोन भी एक टूल है जो कि आपके सिनेमेटिक शॉट्स को पॉसिबल करता है। नहीं तो पहले हेलीकॉप्टर लगते थे ऊंचे शॉट्स लेने के लिए, बड़ी बड़ी क्रेने लगती थी, वो शॉट्स आपका ड्रोन कर देता है। तो अगर आप एज ए टॉय इसको ले रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी भी टॉय से हर कोई बोर हो जाएगा, लेकिन जो इसको एज ए टूल लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टूल है। और टूल ही नहीं, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बाहर यूज़ हो रहा है, और इंडिया में भी यूज़ होने वाला है। तो आप ड्रोन को एक टॉय कह के, जिसको आप कह रहे हैं कि एक महीने में हम भूल जाते हैं, तो वो थोड़ा गलत लगा मुझे। बट ये आपका सजेशन है, कईयों का जो टॉय की तरह इसको यूज़ करते हैं, वो उनके लिए वही है। बट एक्चुअल में इसके काफ़ी पॉजिटिव यूज़ हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आप जिसने नहीं देखा वो वीडियो इंडस्ट्रीज वाला, वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, कितने करियर ऑप्शंस हैं ड्रोन इंडस्ट्री में। तो इट इज़ नॉट अ टॉय, इट इज़ अ टूल एंड इट इज़ अ फ्यूचर। पाल डिजिटल वर्ल्ड कह रहे हैं, रूमर्स की जगह कुछ काम की बातें या अच्छा टॉपिक सर्च करें। ये स्पार्क 2 के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन। देखिए सर, जो नई चीज़ें आती हैं ना, तो आजकल लीक्स का ज़माना है। लीक्स एक तरह का टैक्टिक है बाय कंपनीज, वो खुद लीक करती हैं चीज़ें ताकि माहौल बने उनके नए प्रोडक्ट का, उत्सुकता बने उनके प्रोडक्ट की। और हमारे जैसे जो मीडियंस हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो चीज़ें यूज़ करके आप तक लेके आते हैं, जनरल पब्लिक तक। तो वो उनको बीच में एक मेडिटर की तरह हेल्प करते हैं। और फ़ायदा इसका यही है कि काफ़ी हद तक 90% तक ये रूमर्स सच निकलते हैं। तो काफ़ी लोग, आपको रूमर्स में नहीं होगा इंटरेस्ट, बट काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि नई चीज़ क्या आ रही है, नए DJI का क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या आने वाला है। तो ये उनके लिए है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो वेरी सॉरी, बट इस तरह के वीडियोज़ हर कोई बनाता है अपने चैनल के हिसाब से, और मैं भी बनाता रहूँगा, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ कंटेंट विच आई एम क्रिएटिंग। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो वॉट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट।
what are the expectations, what are the leaks which are coming. भाई साहब लीक्स पे पूरे पूरे डेडिकेटेड चैनल्स बने हुए हैं. एप्पल लीक्स पे एक चैनल है, वो बंदा सिर्फ एप्पल की लीक्स ही बताता है रोज. तो लीक्स बकवास नहीं है, लीक इज दैट इंफॉर्मेशन जिसको आप अच्छे से कंज्यूम करेंगे तो आपको एडवांस में पता लगेगा क्या प्रोडक्ट आने वाले हैं. और ये लीक्स काफ़ी हद तक ठीक होती हैं, 5-10% होता है कि नहीं होता, बट काफ़ी हद तक ठीक होते हैं. सो इट इज़ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई एम हेयर टू प्रोवाइड शेयर इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स वाई आई हैव shared that and made video and it is doing very good. Thank you for good response for this video. Hope आपको clear हो गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूँ. अनु मेहता जी कह रहे हैं वो लोग मैविगेट तो क्यों नहीं अपडेट कर रहे, खासकर फ्लाइट टाइम. अनु मेहता जी मैंने आपका रिप्लाई भी किया था कि उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर मैविगेट 2 निकाल दें, उम्मीद है उसकी भी. एम के ड्रोन कह रहे हैं वाओ थैंक यू वेरी मच. हीरो 8 लीक्स के ऊपर डीजे महेश कह रहे हैं ड्रोन रिपोर्ट इंडिया में लीगल है या नहीं, प्लीज़ हेल्प करो. नहीं अभी नहीं है, मंगवाना चाहता हूं, कब तक लीगल हो जाएगा इंडिया? अगर आपको कोई वेबसाइट पता हो तो बताइए अमेज़ॉन को छोड़कर. यू पेयर 2 अल्ट्रासाउंड ड्रोन मंगवाना चाहता हूं, प्लीज़ आपको पता है तो बताइए. मिस्टर महेश सेफ साइट आप पूछ रहे हैं, एज सच सेफ साइट अभी कोई बनी नहीं है जो कि, क्योंकि अभी ये इंपोर्ट का बिजनेस जो चल रहा है अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ढंग से इंडिया में. लीगलाइजेशन रूल्स रेगुलेशन के बीच में उलझा हुआ है, तो वो जब क्लैरिटी हो जाएगी तब थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी होगी, तब प्रॉपर लीगल स्टोर्स खुलेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. फिलहाल जिस तरह से ड्रोन्स बिक रहे हैं अभी तो वो ड्रोन ही अमेज़ॉन ही ऐसी साइट है, और बाकी ओलेक्स से आपको डीलर्स का पता लग जाएगा, पर मैं ओलेक्स से लेना सजेस्ट नहीं करूँगा ऑनलाइन. ओलेक्स से अगर आपने लेना है तो आपके एरिया के आसपास के जो भी हैं जहाँ से बिक रहा है उनसे मिलकर तसल्ली करके ड्रोन लें. और जो आप नए मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है. और यस काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, बैंगूड वगैरह से मंगवा लेते हैं, तो 90% चांस होता है कि उनका कस्टम में फंस रहे हैं ड्रोन. मेरे पास रोज़ ईमेल्स और मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि मेरा ड्रोन फंस गया. पॉजिटिव भी आते हैं पर नेगेटिव का ज़्यादा तादाद है, क्योंकि नेगेटिव होना का तादाद मतलब परसेंटेज ज़्यादा है. तो प्लीज़ अभी मत मंगवाइए ऐसी साइट से. अगर आपका रिस्क ले सकते हैं 5,000 का ट्राई कर सकते हैं तो कई बार आ भी जाता है, और अगर हाई एंड ड्रोन है तो उस पर रिस्क मत लें. हयाज टिप स्टॉक कह रहे हैं हेलो सर, डीजे टेलो या स्पार्क लेना हो तो जेन्युइन कहाँ से मिलेगा? अमेज़ॉन से मिलेगा, मैंने आपको बताया था. ओरिजिनल या क्लोन कैसे पहचाने? ओरिजिनल या क्लोन कैसे पहचाने, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा. वैसे क्लोन्स बने हुए हैं बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली मेक यू फूल आउट ऑफ क्लोन, क्योंकि क्लोन और ओरिजिनल में बहुत फ़र्क होता है. तो काफ़ियों को नहीं पता होगा तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूँगा. इज देयर ए सर्विस सेंटर इन इंडिया फॉर ऑस्मो मोबाइल? मैंने DJI का एक सर्विस सेंटर जो इंडिया में लोकेटेड है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ से आपको फ़ोन करके पता करना पड़ेगा कि वो गिम्बल्स को भी रिपेयर करते हैं या नहीं. नजीब फिल्म्स कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरे DJI स्पार्क में गिम्बल गायरोस्कोप एरर आ रहा है. गिम्बल इज़ नॉट वर्किंग, कोई क्रैश नहीं हुआ, ओवरऑल स्टेटस गिम्बल गायरोस्कोप एरर हार्डवेयर माल फंक्शन. तो हार्डवेयर माल फंक्शन क्लियरली बता रहा है कि आपके किसी, आपने भी पंगा नहीं लिया तो किसी और ने उसको गिम्बल को प्रेस या कुछ ज़्यादा घुमा दिया है जिसकी वजह से ये एरर आ गया. तो आपको भी DJI के सर्विस स्टेशन पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हार्डवेयर एरर वो दिखा रहा है दैट इज़ नॉट पॉसिबल बाय, मतलब उसकी करेक्शन सॉफ्टवेयर से नहीं पॉसिबल होगी. तो ये थे आज के क्वेश्चन. हो आपको पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. से बाय टू एवरीबडी, शी इज़ माई डॉटर. इसका भी एक चैनल है प्रिंसेस काशवी, तो जो जो बच्चे इसका चैनल देखने जाते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय.